रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मनोज अनवर। तो कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। और आप सब लोग रमज़ान की जो है तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी आपके लिए आज रमज़ान स्पेशल एक चना चाट लेकर आई हूँ। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और इफ्तारी में इसको इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी, ठीक है ना। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल से हैं, जो आप हर घर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके यहाँ रख लिया है। 2 मैंने बड़े आलू लिए थे, उनको मैंने जर्दे का रंग डाल के नमक डाल के उसको भी बॉईल करके रख लिया है। यहाँ 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज दे इसको लेकर उसको चॉप कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है गार्निश करने के लिए, हरी मिर्चें हैं, 1 प्याली हमने पापड़ी ली है, कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, 1/2 चम्मच हमने जो है मेथी दाना लिया है, ये थोड़ी सी चुटकी कह लें हमने टाटरी ली है, और यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच ज़ीरा और 1/2 चम्मच हमने धनिया साबुत लिया था उसको कोट लिया है, 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है और 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है, क्योंकि नमक जो है हमारे चनों में भी शामिल है। तो आए इसको झटपट तैयार करते हैं। मैंने पैन रख लिया और देखें मैंने इतना सा ऑयल लिया है, बस ये बहुत है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी जो है रमज़ान में अच्छा नहीं लगता क्योंकि भारीपन हो जाता है। अब इसके अंदर हम ज़रा ये ऑयल गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर जो मैं मसाले डालती हूँ, बिल्कुल ही झटपट तैयार हो जाता है। आप लोग चाहें तो चनों को ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल करके फ्रीज कर लीजिएगा पैकेट बनाकर, जब इफ्तारी से पहले उसको निकाल के गर्म पानी में डालकर फिर आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है जितना भी रमज़ान का काम करेंगे पहले से करके रखेंगे आपके लिए आसानी होगी। अभी गर्म हो गया, अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कड़ी पत्ता और मेथी दाना, ज़रा से ये कड़कड़ाए फिर मैं इसके अंदर दूसरे मसाले शामिल करती हूँ। देखिए शुरू हो गया कड़कड़ाना, अब इसी के अंदर हम जीरा जो हमने लिया था वो शामिल कर देंगे। जीरे की खुशबू आने लगी है, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज रखी हुई है। आप कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं प्याज की और कम भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम साबुत धनिया, जीरा और चाट मसाला और नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम साथ में ही हम चने शामिल कर लेंगे, चने मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। तो ये तमाम चीज़ें जो बॉयल हैं इसलिए आपको पता ही घर पर तैयार होने वाली रेसिपी है। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्चें थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निश करने के लिए, और हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये चना चाट रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये टाटी हम अब एंड में हम ये टाटी इसमें शामिल कर देंगे, टाटी से ये हो जाएगा ज़रा एक खटास सी अच्छी सी आ जाती है। तो ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स के हमारी चना चाट जो है बिल्कुल रेडी है और कितनी मज़ेदार बनी है। अब आप इसको ट्राई कीजिएगा तो मुझे बताइएगा। अब हमने इसको धनिया से, हरी मिर्चों से और पापड़ी से गार्निश कर दिया है। अब खाकर इसको एंजॉय करके आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान की बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।